हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनोरिया पीजी महिला महाविद्यालय के बारे में जो 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों, ये एक महिला महाविद्यालय है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, अगर आप हॉस्टल में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी एडमिशन फ़ीस क्या होगी, और फिर आपको एडमिशन के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है, और आपको हॉस्टल में क्या क्या डिसिप्लिन के साथ आपको रहना है, और उनकी तरफ से क्या आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ये सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की राजस्थान जो एजुकेशन न्यूज़ है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, हमने बता दिया कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उससे अफिलिएटेड है, ये क्वेश्चन आपके बहुत होगा। इसके बाद इसमें कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, पहले बात करते हैं यूजी कोर्सेज की। तो यूजी कोर्सेज में आप बीए, बी ऑनर्स, बीकॉम, बीए, बीएससी बायोलॉजी, मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी और होम साइंस कर सकते हो, और बीएससीए कर सकते हो इसमें। इसके बाद पीजी कोर्सेज की बात करें तो एमए कर सकते हो आप इंग्लिश में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, और एमकॉम एबीएसटी में एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमकॉम एएफएम और एमएससी बॉटनी में, उसी के साथ एमएससी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, जूलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, इनमें आप कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल की, जो हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके संबंध में बात करते हैं। पहले तो जो एडमिशन लेना है आपको, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले आपको इसके लिए अलग से फॉर्म भरना है और कॉलेज में जमा इसको करवाना है। आपको ये बिल्कुल ध्यान से भरना है, अगर आपने गलत भर दिया तो फिर वहां से निरस्त कर दिया जाएगा, और आपके ट्वेल्थ की परसेंट की बात करें तो 75% से कम किसी के भी नहीं होने चाहिए, बल्कि उससे अधिक ही होने चाहिए, और इस बार तो और अधिक होने चाहिए। इसमें ये जो कॉलेज है इसमें प्रवेश छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन हो गया तो छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल है उसमें भी एडमिशन हो गया, उसके लिए अलग से फॉर्म यहाँ पर भरना होता है जैसा कि हमने बताया। और एक बात ध्यान और देनी है आपको कि हॉस्टल में प्रवेश केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही होता है, यानी कि आपको हर बार हर साल नए सिरे से आपका एडमिशन होगा। पुनः प्रवेश को जो अधिकार है उसका मामला नहीं, आपके अधिकार का मामला नहीं है, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने सभी नियमों का पालन किया या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एडमिशन ले लिया तो आपका हर साल एडमिशन हो जाएगा, आपने अगर नियमों का पालन किया है तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आप भाग एक और भाग दो में यानी कि फेल हो जाते हो तो फिर आपको पुनः प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको 65% तो कम से कम आपके परसेंट रहने चाहिए, और 85% आपके उपस्थिति वहाँ पे अनिवार्य है, तभी आपका पुनः यहाँ पे रीएडमिशन होगा। तो ये शायद आपने नोट कर लिया होगा कि एडमिशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे क्या रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको क्या डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन करना होगा, अदरवाइज आपको निकाल दिया जा सकता है। तो बाहर निकलने के उद्देश्य से आप सभी को वार्डन के द्वारा गेट पास जारी किया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे वार्डन होते हैं आपको पता है, तो उनके द्वारा आपके पाप को पास मतलब पास दिया जाएगा, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। चौकीदारी किसी भी स्टूडेंट्स को बिना गेट पास के बाहर नहीं जाने देगा, ये रूल्स आपको मेंटेन करने हैं अभी आगे हैं। और तो प्रत्येक जो छात्रावास का स्टूडेंट्स है यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स, वो परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त करने या कॉलेज से टीसी प्राप्त करने से पहले वार्डन से कोई बकाया प्रमाण पत्र नहीं दिखाएगा। इसके बाद हॉस्टल में कोई भी विद्युत उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है, ये तो केयर है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, और ये भी बहुत सारे देखने को मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, है ना। दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ के कुछ डिसिप्लिन के रूल हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको बिल्कुल फर्निश्ड रूम मिलेंगे, स्विमिंग पूल भी यहाँ पर मिलेगा, जिम,
और अच्छे से प्लेग्राउंड आपको यहाँ पे मिलेंगे, वाटर कूलर, वाटर प्योरीफायर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको टेलीविजन भी मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेंगे और लॉन्ड्री मिलेगा ऑन पेमेंट और सैनिटरी नैपकिन वगैरह, ट्रेन नर्स ऑन कैंपस, यहाँ पे नर्स वगैरह की सुविधा भी है और एसी रूम से बिल्कुल यहाँ पर। तो ये फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो, ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो 68,000 आपकी फ़ीस है, वही अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो, रीएडमिशन चाहते हो, तो आपकी जो फीस है वो 66,000 है। तो दोस्तों यदि कनौरिया महिला पीजी महिला महाविद्यालय के बारे में अगर आपके मन में कोई क्वारीज हो तो आप ज़रूर बताएं, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके भी विजिट करके अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपके कोई परिचित है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। उसी के साथ ही अगर नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।